बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय नेम इज़ डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर। मेडिसिन इज माय प्रोफेशन एंड टीचिंग इज माय पैशन। लेट मी एडमिट फ्यू स्टूडेंट्स। ओके, तो आज की हमारी जो डिस्कशन है ये है कि नेशनल एमडीकैट और एफएससी की प्रिपरेशन के हवाले से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये जो आज का वेबिनार है ये खास तौर पे रिपीटर्स के लिए है। और तो टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ यू आर प्लानिंग टू रिपीट नेशनल एमडीकैट एंड और एफएससी, तो ये वेबिनार आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपने AKU और NUMS के एंट्रेंस एग्जाम में भी अपीयर होना है इन एडिशन टू द नेशनल एमडीकैट, तो भी ये वेबिनार आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल सो एज टू गिव यू द रीजंस टू ट्रस्ट माय वर्ड्स। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ ईयर 2010 का। पैशनेट टीचर हूँ और फाउंडर हूँ सीक और स्टेप, दो बड़ी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑलरेडी। इसके अलावा मैं फाउंडर और करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ऑफ टॉप ग्रेड डॉट पीके। और टॉप ग्रेड डॉट पीके को मैंने इस्टेब्लिश किया था सो एज टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। और इसके अलावा मैं कोच या मेंटोर हूँ बहुत सारे एमडीकैट के टॉपर्स का, जैसे एमडीकैट पंजाब में 2011 में महम जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन थी, आई वाज हर मेंटोर। इसके अलावा सलमान अशरफ, सो सलमान अशरफ जिसकी एमडीकैट 2011 में थर्ड पोजीशन थी पंजाब में, पूरे पंजाब में, उसका भी मेंटोर था। इसके अलावा अलीजा अशरफ जिसके साथ मेरा एक वीडियो इंटरव्यू भी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करता है। अलीजा अशरफ 2016 में मैंने उसकी भी एमडीकैट पंजाब के हवाले से कोचिंग की थी। सो मैं बहुत सारे जो एमडीकैट टॉपर्स हैं या जो हाई अचीवर्स हैं जिन्होंने टॉप नॉच मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस लिए हैं, मैंने उनको कोचिंग प्रोवाइड की है। इसके अलावा पूरे मुल्क में हजारों स्टूडेंट्स को मैंने करियर से रिलेटेड उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने के हवाले से हेल्प आउट किया है। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ टीचर ट्रेनर, एज अ मेंटोर, राइट। तो और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और वक्तन फक्तन अपने वेबिनार्स के जरिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि वो इससे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट ले सके। ऑलराइट, तो ये मेरा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको रीजन दे दी कि व्हाई यू शुड। सो अब इसमें यहाँ पे मैं आपको कन्वेंशनल एकेडमी और टॉप ग्रेड का आपस में कंपैरिजन देने लगा, राइट। इससे आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि रियल वर्ल्ड एकेडमी को ज्वाइन करना किस किस तरह से आपके और आपकी प्रिपरेशन के अगेंस्ट जाता है। सो इसमें हियर वी हैव गॉट अ स्लाइड, सो लेट मी ओरियंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में आपके पास फीचर है और मिडल कॉलम में कन्वेंशनल एकेडमी के हवाले से डिस्कशन है और एक्सट्रीम राइट कॉलम में टॉप ग्रेड डॉट पीके के बारे में डिस्कशन है। सो अगर आप बात करें इसमें सबसे पहले सेल्फ स्टडी की, कन्वेंशनल एकेडमी आपकी सेल्फ स्टडी को बुरी तरह से हिट करती है। याद रखना कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि नेशनल एमडीकैट में इन स्पेसिफिक और जनरली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपकी सक्सेस को जो डिटरमिन करता है, दैट इज द सेल्फ स्टडी। तो जो कन्वेंशनल एकेडमी है ये आपकी सेल्फ स्टडी को बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करवाती है। अब देखें, एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं, उसमें से 8 घंटे आपने सोना है और 4 घंटे आपने जनरली अपनी लाइफ को मैनेज करना है, खाना पीना, कुछ और रेस्ट करना, फैमिली को टाइम देना वगैरह वगैरह। सो 4 घंटे जो है लाइक आपके इस तरह से गुजरने हैं और उसके बाद फिर रिमेनिंग जो 12 आवर्स हैं उसमें से देखें कि घर से रेडी होके एकेडमी जाना और वापस आके रेस्ट करना, 5 से 6 घंटे उधर गुजारना,
तकरीबन 8 आवर्स ये चले गए, तो रिमेनिंग 3 to 4 आवर्स आपके बचते हैं जस्ट फॉर सेल्फ स्टडी। अब इसमें बहुत सारा टाइम ऐसा है, बहुत सारा टाइम वेस्टेज ऐसा है जिसको आप अवॉइड कर सकते। तो जो भी करूंगा। सो सॉरी, ये थोड़ी देर का इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू था, आई हैव रेक्टिफाइड दैट। एनीवेज, इसमें देखें कि सिंपली जो काम आपको एकेडमी करवा रही है वही काम अगर आप किसी तरीके से घर में बैठ के आप कैरी आउट कर सकें तो आपकी सेल्फ स्टडी में रिमार्केबली काफी सारा टाइम ऐड हो जाएगा। सो सिंपली अब ये देखें कि कन्वेंशनल एकेडमी के साथ आपकी जो डेली बेस पे जो सेल्फ स्टडी है राइट, वो कितनी है? 3 to 4 आवर्स। क्यों? क्योंकि आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होना है रेडी होने में, ट्रेवलिंग में, और इसके अलावा डिफरेंट क्लासेस के दौरान वेट में। अगर कोई टीचर नहीं आता तो ऑफकोर्स वो टाइम भी आपका वेस्ट होएगा। और इवन ड्यूरिंग क्लास अगर से कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो जिनका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, या उनकी सिंपल सी ऐसी क्वेरीज हैं जो कि आपको ऑलरेडी, जिनके वाले से आप मेंटली क्लियर हैं, वो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके मुकाबले में टॉप ग्रेड से घर बैठ के आप तकरीबन 9 to 12 आवर्स आप करते ही सारी की सारी सेल्फ स्टडी। टॉप ग्रेड है ही बेसिकली एक टूल जो कि सेल्फ स्टडी को प्रमोट करता है, राइट? सो जिस आपको एकेडमी वाली सारी फैसिलिटीज घर पे दे के आपको आपकी सेल्फ स्टडी को रिमार्केबली इंक्रीज करता है टॉप ग्रेड, राइट? सो अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, अभी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि किस तरह से टॉप ग्रेड अकेडमी की नीड को रिप्लेस करता है और सेवरल फोल्ड इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द टिपिकल अकेडमी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ लेक्चर्स एंड रिवीजन नोट्स। लेक्चर्स और रिवीजन नोट्स की जो अवेलेबिलिटी है 24/7 वो कन्वेंशनल एकेडमी में नहीं होती। तो अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो गया, वंस गॉन गॉन फॉर गुड, इस तरह से रिवीजन नोट्स भी आपको ऑल टाइम उसके अवेलेबल नहीं है। लेकिन topgrade.pk के साथ आपको 24/7 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो आप जिस भी लेक्चर में आप गैप फील करते हैं या कोई ऐसा यूनिट है से जो आपको सिरे से नहीं आता, आप चाहें तो उसके लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम सुन सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसे यूनिट्स है जो आपको ऑलरेडी आते हैं, अब उनके लेक्चर्स को स्किप करके अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं, सो ऑन, राइट? उसके बाद फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल अकेडमी अगर 3 महीने का सेशन रन करती है एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए, से नेशनल एमटेट की तैयारी के लिए, तकरीबन 5 से 6 हजार एमसीक्यूज उन्होंने आपको करवाने हैं। जबकि इसके मुकाबले में topgrade.pk ने आपको 25 से 30 हजार के करीब एमसीक्यूज देना है। अब कन्वेंशनल एकेडमी में टेस्टिंग अडेप्टेबल नहीं होती। अडेप्टेबल से मतलब क्या है? हर बच्चे की अपनी अपनी टेस्टिंग नीड्स हैं, हर बच्चे की अपने अपने वीक सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हर बच्चा अपनी प्रिपरेशन को, उसको आइडियली ये चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली टेलर करें, राइट? अकेडमी ने क्या करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, अकेडमी ने क्या करना है, अकेडमी ने आपकी मुसलसल जो प्रेपरेशन, आपको एक ही वे में आपकी प्रेपरेशन जो उसको कैरी आउट करते चले जाना, राइट? सो अकेडमी ने एक ही यहाँ पे सारे बच्चों को, लाइक भले आप एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट हैं या एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, अकेडमी ने एक ही वे में आपकी प्रेपरेशन को करवाना है, राइट? तो सो अडेप्टेबल टेस्टिंग नहीं है। इसके मुकाबले में टॉप ग्रेड से आप जब चाहें जिस मर्जी सब्जेक्ट, जिस तो इसमें जो कन्वेंशनल एकेडमी है वहां पे अडेप्टेबल टेस्टिंग नहीं होगी, जबकि topgrade.pk से अडेप्टेबल टेस्टिंग आपको मिल जाएगी। लाइक आप जब जब मर्जी जिस मर्जी सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक का टेस्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्कशंस हैं वो डिलेड होती हैं, कन्वेंशनल एकेडमी में डिस्कशन सिग्निफिकेंटली डिले होती हैं। लाइक अगर आज आपने अभी टेस्ट दिया है तो मे बी उसकी डिस्कशन नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक होगी, राइट? लेकिन टॉप ग्रेड की ब्यूटी ये है कि जब आपसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आपने 200 एमसीक्यूज का टेस्ट अटेम्प्ट किया है, उसमें से आपके 50 एमसीक्यूज रॉन्ग हुए हैं, तो जब आपका कोई एमसीक्यू गलत होगा आप इंस्टेंटली उसी वक्त उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बना सकते हैं, अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट? तो हमारे टॉप ग्रेड के अंदर क्या है, अडेप्टेबल टेस्टिंग है और आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है। और इसके अलावा अकेडमी के अंदर आपको कोई परफॉर्मेंस एनालिटिक्स नहीं मिलते,
किसी भी स्टेज पे आप किसी कन्वेंशनल एकेडमी से अगर आप ये पूछें कि भाई मुझे बताया जाए मेरे कौन से सब्जेक्ट्स चैप्टर्स या टॉपिक्स वीक जा रहे हैं, आपको एकेडमी नहीं बता पाएगी। इसके मुकाबले में टॉप ग्रेड में आपको कंटिन्यूअसली रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं कि आपके ये सब्जेक्ट वीक जा रहे हैं, ये चैप्टर वीक जा रहे हैं, ये टॉपिक वीक जा रहे हैं, एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, फुल लेंथ पेपर्स एकेडमी में यूजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन फुल लेंथ पेपर्स लिए जाते हैं और उनकी भी जो डिस्कशन वगैरह वो सिग्निफिकेंटली डिले हो जाती है, जबकि topgrade.pk में जब मर्जी चाहें आप रियल एग्जाम लाइक पेपर देके अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, इन द मिड ऑफ द सेशन और इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन, सो जैसे आपका दिल करे। ऑलराइट, सो इसमें यू सीन हियर कि जो topgrade.pk है ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। सिंपली मैं ये कहना चाहूंगा कि topgrade.pk ये आपकी सेल्फ स्टडी को 3-4 folds सेल्फ स्टडी के टाइम को ये इंक्रीज करता है और रिजल्टेंटली आपकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो भी सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज करता है। और जो भी चीजें कन्वेंशनल एकेडमी आपको करवाती है topgrade वो सारा कुछ आपको घर में बैठ के करवा देता है और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करवा देता है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स भी हैं topgrade के जो कि कन्वेंशनल एकेडमी आपको ऑफर नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल आपकी परफॉर्मेंस एनालिटिक्स वगैरह। हाँ, एक चीज है जो बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर हमारे जो लाइव डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर करना चाहते हैं, तो वो कैसे क्लियर होंगे? अगर हमने टीचर से क्वेश्चन पूछना है, topgrade में इस तरह से ये फैसिलिटी नहीं है। तो आपको बताता चलूं कि हमने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में टीचर्स को अवेल कर दिया है स्टूडेंट्स को, सो आपके जो भी डाउट्स होते हैं वहां पे डायरेक्ट आप वो इमेज भेज के या ऑडियो भेज के या इवन कोई लाइक इवन वहां पे एनोटेट करके किसी भी तरीके से टेक्स्ट के जरिए आप अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं और उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये देख सकते हैं आपके topgrade के अल्हम्दुलिल्लाह ये सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने topgrade की पेड सब्सक्रिप्शंस को यूज किया और उसके बाद फिर वो सक्सेसफुल हुए बहुत सारे और उन्होंने topgrade के बारे में रिव्यू किया है। सो ये रिव्यूज आप ये जो लिंक यहाँ पे गिवन है आप इस पे जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि चैट में भी आपको ये लिंक जो है वो सेंड कर दूँ। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट ईयर के हाई अचीवर्स हैं, उनमें से चंद एक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑफ कोर्स आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड सो मच टाइम ओवर हियर। तो इसमें ये स्टूडेंट जैसे महरोज इस्माइल स्टूडेंट थी हमारी फ्रॉम बोरेवाला, इसके 193 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। इस स्टूडेंट के मैंने यूसेज को सिस्टम से चेक किया था, इस स्टूडेंट ने 30,000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हमारे सिस्टम में। और ज़ोहेब हसन स्टूडेंट है, ज़ोहेब हसन ने लाइक इसने 192 मार्क्स लिए आउट ऑफ 200, इस तरह से सादिया शाहिद ने 191 आउट ऑफ 200 मार्क्स लिए हैं। सो ये सारे ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे सिस्टम को यूज किया है और उसके अंदर इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने फिर स्कोर भी किया। सो मैं ये कहता हूँ सिंपली कि जो जितना ज्यादा यूसेज था स्टूडेंट्स का उतने उनके अच्छे मार्क्स आए और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके ये आपके सामने है इनमें से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने topgrade को अर्ली ज्वाइन किया, लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम में topgrade को यूज किया और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। राइट, सो सेम आप भी कर सकते हैं क्योंकि topgrade.pk में इतना कॉन्टेंट है कि अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करें तो आपको तकरीबन मुकम्मल हमारा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए 6 months रिक्वायर्ड है। सो जितनी जल्दी आप topgrade को ज्वाइन कर लेंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा और उतनी आपकी प्रिपरेशन इफेक्टिव हो जाएगी और आप अपने कंपेटिटर्स पे क्लियर एडवांटेज ले जाएंगे। ऑलराइट, थैंक्स डियर ऑल, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे ऑल ऑफ यू शाइन लाइक स्टार्स इन द गैलेक्सी ऑफ नेम एंड फेम। अल्लाह हाफिज़।